अभी रही बात की सर मार्केट में क्रैश आ सकता है, तो बिल्कुल मार्केट में क्रैश आ सकता है। इंडिया का मार्केट अभी जो आपको दिख रहा है उसकी रियलिटी वो नहीं है, इंडिया का मार्केट अंदर से खोखला हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी ऐसे निवेशक हैं जिनका ये कहना है कि सर अगर हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हम जिस भी इंडेक्स को देखते हैं वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलर हमने म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम में निवेश करा है, चाहे वो मिड कैप की हो, चाहे वो स्मॉल कैप की हो, चाहे PSU की हो, चाहे वो डिफेंस फंड हो, हमको नेगेटिव रिटर्न बना के दे रहे हैं और कंटिन्यू वे में वो नेगेटिव जा रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके से हमको म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, इसका क्या कोई वैलिड रीजन है या नहीं, तो आज की वीडियो कंप्लीट वॉच करना, आपको कंप्लीट पता पड़ जाएगा अगर आपने स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को होल्ड कर रखा है अभी करंट टाइम में, और म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में अगर आपने निवेश कर रखा है तो आगे आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, इसलिए अभी के टाइम में आपको क्या करना है। बिकॉज अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है, 5,000 से 10,000 पॉइंट की भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि गिरावट क्यों हो रही है, बिल्कुल मैं आपको एक इंडेक्स बताऊंगा स्मॉल कैप कैटेगरी का, उस इंडेक्स के माध्यम से हम समझेंगे जिससे आपको प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो देख लीजिए यहां पे मैंने क्या करा दोस्तों, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का कंप्लीट इंडेक्स खोल रखा है। ये इंडेक्स 2019 से लेके करंट टाइम 2024 तक का आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इसलिए इंडेक्स खोला है जिससे आपको ये पता पड़े कि अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है, आपका जो रेगुलर बेस में कमेंट आता है ना कि सर मार्केट में क्रैश आ गया मैं लमसम कर रूँ, भैया मार्केट क्रैश अभी आपने देखा ही नहीं है। आपने मार्केट में क्रैश कितना देखा है, 200, 300, 500, 800, 600 पॉइंट का क्रैश देखा, इससे बड़ा क्रैश अभी तक आपने देखा ही नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में आपको पता पड़ेगा कि मार्केट क्रैश क्या होता है जो कोविड के टाइम पर आया था। अब यहाँ पे देखो कंप्लीट हमारा जो ये चार्ट है, अब इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए मार्केट इस मूवमेंट पे चल रहा था 5,205 पे, ये कब की बात है, 1 जनवरी 2020 की, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट देख लो, यहाँ पे जो मार्केट डाउन हुआ कितने से डाउन हुआ, 2,870 पॉइंट से। अगर यहाँ के यहाँ तक हम टोटल गिरावट का देखें तो गिरावट कितनी हुई है, 2,335 पॉइंट की। अब यहाँ पे देखो गिरावट कितने टाइम पे हुई है, 1 जनवरी 2020, और यहाँ पे कितना है, 2 मार्च 2020, मतलब कंटिन्यू एक महीने तक यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अभी आपने जो गिरावट देखी ना वो 2 दिन की 3 दिन की 4 दिन की, इससे ज्यादा की आपने गिरावट नहीं देखी, वो भी 400, 500, 600 पॉइंट की। लेकिन यहाँ पे गिरावट कितनी है, 2,335 पॉइंट की, ठीक है। तो ये होती है गिरावट। अब यहाँ पे भी ये चीज देखो, यहाँ पे जो गिरावट आई है उसके बाद भी आपको जो ये कैंडल दिख रही होगी ग्रीन वाली, अगर इस कैंडल पे हम देखें तो ये कैंडल कब की है, 2 नवंबर 2020, मतलब मार्च से लेके नवंबर तक ऑलमोस्ट 8 महीने रख गए थे मार्केट को रिकवर होने में, लेकिन वो रिकवर कितने पॉइंट से हुआ था आपका, 5,600 पॉइंट से। अभी भी यहाँ पे मार्केट में तेजी थी, और देख लीजिए मार्केट का जो अप बना था वो 10,000 पॉइंट पे बना था अक्टूबर 2021 के अंदर। यहाँ पे ये चीज देखो मार्केट में डाउनफॉल कितने में आया, एक महीने के अंदर मार्केट डाउन गया हमारा 2,335 पॉइंट में, लेकिन ये 2,335 पॉइंट रिकवर होने में कितना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट हमको लग गए 8 महीने, ठीक है। 8 महीने तक हमने वेट करा, उसके बाद देख लीजिए मार्केट सीधा सीधा कहाँ, हमारा 5,000 की वैल्यू थी, यहाँ कहाँ पे 10,000 की वैल्यू आ गई। लेकिन 2021 से 2024 तक का जो सफर है उसमें करंट टाइम में देख लीजिए 2 सितंबर 2024 को आपको जो मार्केट देखने को मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 18,800 पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब ये देखो, मार्केट में अगर आपने निवेश कर रखा है, म्यूचुअल फंड में हम निवेश ये सोच के करते हैं मेरा टारगेट है 30 साल का 25 साल का 20 साल का 15 साल का, हम बस हमारा टारगेट फिक्स करते हैं कि हमारा ये टारगेट है, इस टारगेट के हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो में इतने फंड होंगे, ये फंड होंगे, मैं कंटिन्यू वे में यहाँ पे SIP और लमसम करता हुआ जाऊंगा। तो आपको ये चीज नहीं देखनी है कि भैया मार्केट में क्रैश आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिकॉज क्या है, देखो अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या मान लीजिए आपने स्टॉक होल्ड करके रखे तो आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है, एक मान लीजिए आपने कोई सा भी स्टॉक उसको होल्ड करके रखा है, मार्केट में अगर कोई गिरावट आ गई 5,000 पॉइंट की, तो नॉर्मल सी बात है वो जो स्टॉक है ना वो डाउनफॉल में जाएगा। अब हो सकता है वो डाउनफॉल में इतना जाए कि वापस से वो क्या है, स्टेबल नहीं हो पाए, तो आपकी वैल्यू है वो जीरो हो सकती है।
स्टॉक में आपकी वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज आप जिस भी फंड में निवेश करोगे वो पर्टिकुलर फंड मैनेजर के पास आपका पैसा जाएगा और आपकी होल्डिंग जितनी भी होगी 50 से 60 जो भी होल्डिंग होगी, जो भी स्टॉक्स होंगे वहां पे आपका पैसा निवेश होगा और सभी के सभी स्टॉक है वो डाउनफॉल में नहीं जा सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। देखो यहाँ पे 5000 पॉइंट्स का सीधे सीधे 18000 पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा। ये स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाहता तो निफ्टी 50 का चार्ट आपको बताता, लेकिन स्मॉल कैप का इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है। काफी निवेशक को डर ये रहता है कि सर स्मॉल कैप का मार्केट सही नहीं है, क्या सारे फंड मेरे स्मॉल कैप कैटेगरी में निकाल दूं? तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप ये करोगे स्मॉल कैप मिड कैप से सीधे ही आप लास्ट कैप में स्विच करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आ जाएगी, बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा आपका टैक्स बनेगा, एक्सिट लोड वगैरह लगेगा, जिससे क्या होगा कहीं ना कहीं आपको एक परेशानी देखने को मिलेगी और आपका पैसा है उसकी वैल्यू कम होते हुए आपको नजर आएगी। बिकॉज क्या है यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड में बात करें हम स्मॉल कैप की, तो नॉर्मल सी बात है हमारा मार्केट इस तरीके से चलता है। अब मार्केट अगर ऊपर है, जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा तो नॉर्मल सी बात है मार्केट में नया पैसा नहीं आएगा तो रोटेशन नहीं चल पाएगा। इसलिए मार्केट का ये नियम है, मार्केट ऊपर नीचे चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो मार्केट हमेशा आपको ऊपर जाता हुआ ही नजर आएगा। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज फंड मैनेजर आपके लिए बैठा है। फंड मैनेजर को पता है कि भैया कौन सा स्टॉक सही है कौन सा स्टॉक सही नहीं है, वो एनालिसिस करेगा उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक रखेगा भी और निकालेगा भी। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है किसी तरीके की, ना तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है ना अपने फंड को स्विच करना है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी रही बात कि सर मार्केट में क्रैश आ सकता है, तो बिल्कुल मार्केट में क्रैश आ सकता है। इंडिया का मार्केट अभी जो आपको दिख रहा है उसकी रियलिटी वो नहीं है, इंडिया का मार्केट अंदर से खोखला हो चुका है, ठीक है, इतना भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5000 10000 और हो सकता है 12-13000 पॉइंट्स की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये गिरावट में आप आपका पैसा निकालोगे तो नुकसान हो जाएगा। बिकॉज देखो यहाँ पे 8 महीने में आपका मार्केट रिकवर हो गया, ठीक है, रिकवर हो गया, और उसके बाद देख लो ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम भी नहीं रखा है, मुश्किल से 11 या 12 महीने के अंदर देख लो जो आपकी वैल्यू तो सीधी सीधे वो डबल हो चुकी है। ये स्मॉल कैप की बात बता रहा हूँ मैं, इसलिए इजी मूवमेंट पे अपना निवेश कंटिन्यू रखो, आपको कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो बात आती है अब आपकी क्वेरी की, सर अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न क्यों दे रहा है? बिकॉज आप ये सोचो अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स देख रहे हो या पर्टिकुलर कोई भी आप इंडेक्स देख रहे हो तो नॉर्मल सी बात है इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन आप जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हो आप उसकी होल्डिंग देखना, उसकी होल्डिंग में जितने स्टॉक हैं, और जैसे मान लीजिए आपका लार्ज कैप का कोई फंड है तो लार्ज कैप कैटेगरी में आप जाना, पर्टिकुलर आपका जो भी फंड है उसकी होल्डिंग देखना, ठीक है, और लार्ज कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है आप उसको 50 को देखना एंड उसके जो स्टॉक्स हैं आप ये देखना उसमें जितने स्टॉक होंगे उससे कम स्टॉक आपके किस में होंगे म्यूचुअल फंड के अंदर होंगे। इसलिए क्या होता है अगर सिमिलर स्टॉक होते तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे क्या होता स्टॉक मार्केट की तरह आपको पॉजिटिव वैल्यू नजर आती। बिकॉज क्या होता है अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करूँ स्मॉल कैप कैटेगरी का है, यहाँ पे 250 कंपनी है, अब 250 कंपनी में से मान लो कम से कम 70% कंपनी ऐसी है वो अभी के टाइम में ऊपर जा रही है और 30% कंपनी ऐसी है वो नीचे जा रही है, तो नॉर्मली क्या होता है इसका कंप्लीट एवरेज निकाला जाता है तब आपको शो होता है कि भैया हमारा जो जैसे ये इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है ये इतना ऊपर गया है ये इतना नीचे आया है, लेकिन पर्टिकुलर हमारा म्यूचुअल फंड होता है ना उसमें स्टॉक की संख्या कम होती है, इसलिए हमारा जो पर्टिकुलर फंड है अगर आप उसकी होल्डिंग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया अगर स्मॉल कैप का भी फंड है तो उसकी होल्डिंग कितनी है और होल्डिंग में कितनी ज्यादा गिरावट हुई है कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसलिए क्या है आपको अंदाजा लग जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि म्यूचुअल फंड है वो आपका डाउनफॉल में जा रहा है और स्टॉक मार्केट है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज इंडेक्स से वो कंप्लीट आपको एक एवरेज आता है जितने भी स्टॉक होते हैं उसका, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक होते हैं ना वो सिर्फ उसी हिसाब से आपकी वैल्यू क्रिएट करके बताता है पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात पीएसयू की और डिफेंस की, देखो पीएसयू का तो मार्केट इस तरीके से रहता है कभी ये बिल्कुल पॉजिटिव वे में जाते हैं बिल्कुल टॉप पोजीशन पे बैठते हैं और कभी के टाइम में वो नेगेटिव चले जाते हैं। अभी की बात करें तो एक एक दिन में 4% का नेगेटिव रिटर्न निवेशक को बना के दे रहे हैं। और डिफेंस सेक्टर की बात करें अगर आपका ये गोल है कि मुझे 15 साल 20 साल 30 साल के लिए निवेश करना है तो डिफेंस सेक्टर से अभी अगर आप निकल जाओगे तो ही ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज डिफेंस सेक्टर है वो क्या होता है जब भी हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है तो काफी ज्यादा
पे इम्पैक्ट देखने को पड़ता है। और अभी आपको पता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उस हिसाब से आने वाले टाइम में जो कंडीशन बन सकती है, अभी जो लोकसभा के चुनाव थे उसके जो नतीजे आए हैं उस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगला जो चुनाव होगा उसमें किस तरीके के नतीजे आएंगे और हमारे डिफेंस सेक्टर है उसमें कितना ज्यादा आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप आगे खुद ही समझदार हो, अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स के साथ जाओ जिससे लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सको। अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपको नियम रखना है कि भैया मुझे पैसा नहीं निकालना है बल्कि मुझे यहाँ पे और पैसा निवेश करना है जिससे प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म में मेरी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सके। तो आई होप आज की वीडियो से आपका जो डर था वो बिल्कुल खत्म हो गया होगा कि मार्केट में अगर कोई क्रैश आता है तो मेरे पैसों का क्या होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।